I am Sil Kumar Tomar, again in front of you with a video for 11th physics. That's the video, second video for second chapter. And in the previous video, we had discussed about the system of units, need for measurement, SI unit system, advantages of SI unit system, and some other units of length and mass. Now, we will discuss फर्दर टॉपिक्स. हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं एंड अवर स्टार्टिंग इज फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ लेंथ. मेजरमेंट ऑफ लेंथ, देखो अगर हमें किसी क्वांटिटी की लेंथ मेजर करनी है तो हमारे पास लेंथ मेजर करने के टू मेथड्स हैं. वन इज द डायरेक्ट मेथड. एक आपके पास डायरेक्ट मेथड है, दूसरा आपके पास इनडायरेक्ट मेथड. अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, एक अननोन लेंथ को नोन लेंथ के साथ कंपेयर कर देते हैं. ये हमारी अननोन लेंथ है, इसको एक नोन लेंथ मीन्स एक स्केल के साथ कंपेयर कर लेंगे और उसे देख लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है. उस नोन लेंथ की जितनी लेंथ के इक्वल इसकी वैल्यू है, इसका मतलब इसकी लेंथ वो ही है. ये आपका डायरेक्ट मेथड है. अब डायरेक्ट मेथड से हम कहां तक की क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं. अगर हम सिंपल स्केल से बात करें तो दैट वन इज फ्रॉम सिंपल स्केल. From 10 to the power minus 3 meter to 10 to the power 3 meter. Means 1 10 to the power minus 3 meter का मतलब होता है 1 millimeter. आपको पता है स्केल में सबसे छोटा जो पार्ट होता है 1 millimeter का होता है. स्केल में एक साइड सेंटीमीटर होता है, एक साइड में इंचीज होते हैं. तो एक सेंटीमीटर के भी 10 पार्ट्स होते हैं, तो एक पार्ट 1 millimeter का होता है, that is 10 to the power minus 3 meter. और मैक्सिमम कहां तक, 10 to the power प्लस 3 मीटर मीन्स 1000 किलोमीटर तक. दूसरा आपके पास वर्नियर कैलिपर्स होता है अप टू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर. और फिर स्क्रू गेज होता है अप टू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर. मीन्स डायरेक्ट मेथड से हम 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर से 10 टू द पावर प्लस 3 मीटर तक मेजर कर सकते हैं. आपका डायरेक्ट मेथड. अब अगर इससे ज्यादा और इससे कम हमें मेजर करना होता है तो फिर हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं. अब इनडायरेक्ट मेथड कौन से होते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं. जैसे मान लिया आपको यहां से और एक 50 किलोमीटर दूर की डिस्टेंस मेजर करनी है. मैं एक पोजिशन यहां पर होगी, 50 किलोमीटर डिस्टेंस होगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है तो कैसे करते हैं. आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास व्हीकल है और व्हीकल में एक मीटर होता है, जो स्पीड बताता है उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं और जो टोटल रनिंग उसकी बताता है दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर. तो ओडोमीटर से आप यहां की डिस्टेंस देख लो, जहां पे जा रहे हो 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे वहां की डिस्टेंस देख लो, दोनों का डिफरेंस आपकी डिस्टेंस ट्रेवल होगी. तो दैट वन इज द इनडायरेक्ट मेथड. अब उसमें होता क्या है, एक बार मैं समझा दूं कि कैसे इनडायरेक्ट मेथड से यूज करते हैं. जिसे मान लिया आपके पास एक व्हीकल है, बाइक, ये उसका व्हील है. अब वही की रेडियस है, मान लिया मैंने कह दिया 35 सेंटीमीटर, ये व्हील की रेडियस है 35 सेंटीमीटर कह दो, या फिर ज्यादा हो सकती है कम हो सकती है, 35 सेंटीमीटर मैंने कह दिया. तो एक चक्कर में कितना चलेगा ये व्हील, 2πr. एक चक्कर में अपनी सर्कुलर ब्रांच, एक बार सर्कुलर ब्रांच क्या होती है, 2πr मीन्स 2 × π 22/7 × r 35 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो पाई मीटर 7 5 = 35 5 × 10
तो दैट वन इज 2.2 मीटर। ये डिस्टेंस होगी मीन्स एक राउंड कंप्लीट होने के साथ ही कितना चलाए 2.2 मीटर। और मान लिया आपने एन राउंड कंप्लीट किए तो कितनी डिस्टेंस ये चला, एन मैंने कह दिया आपने मान लिया 10,000 राउंड कंप्लीट किए और एक में 2.2 मीटर चला तो डेट इज 22,000 मीटर मीन्स 22 किलोमीटर। तो कितने कितना वेगा था 22 किलोमीटर। अब जो आपका ओडोमीटर होता है वो सिर्फ इसके रोटेशन काउंट करता है कितने रोटेशन हुए और एक रोटेशन में बताइए कितना चलता है, तो नंबर ऑफ रोटेशन से डिवाइड करेंगे एक रोटेशन की डिस्टेंस को तो टोटल डिस्टेंस के बता देंगे। ये आपके इनडायरेक्ट मेथड है। ऐसे इनडायरेक्ट मेथड और लार्ज डिस्टेंस मेजर करनी है लेजर मेथड है। मान लिया यहां से कोई सन है कोई प्लैनेट है अर्थ है ये आपकी अर्थ है और ये कोई प्लैनेट है आपकी अर्थ से प्लैनेट की डिस्टेंस मेजर करनी है आपने लेजर लाइट छोड़ी और वो टकरा के वापस आ गई आपने लेजर लाइट छोड़ी टकरा के वापस आ गई मान लिया वो 100 सेकंड में वापस आ गई तो 50 सेकंड में गई 50 सेकंड में वापस आई। अब 50 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आपको पता ही है 3×10^8 m/s की स्पीड होती है लेजर लाइट की लाइट स्पीड ऑफ लाइट तो 3×10^8 m 1 सेकंड में गई और 50 सेकंड में कितनी गई 50 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये होगा 150×10^8 m और वी कैन से 150×10^5 km एंड 1 crore 50 lakh km मीन्स इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 1 crore 50 lakh km। तो आप ऐसे डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो ये आपके इनडायरेक्ट मेथड है। अब ऐसा ही एक इनडायरेक्ट मेथड है अगर हमारी डिस्टेंस 100 light years से भी ज्यादा है 100 light years मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 year इज द 1 light year और 100 light years से भी ज्यादा है मीन्स अगर हम लेजर लाइट छोड़ेंगे तो वो 100 years से भी बाद में वापस आएंगे तो उसकी डिस्टेंस कैसे मिलेगी। अब उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास है इनडायरेक्ट और इसमें हम बात करेंगे सिर्फ देखो एक ही मेथड है लेजर मेथड मैंने आपको बताया एक नॉर्मल एग्जाम्पल मैंने आपको दिया पर मेन जो आपको करना है दैट वन इज द पैरेलैक्स मेथड। ये आपका पैरेलैक्स मेथड means here we measure the distance beyond 100 light years से ज्यादा अगर डिस्टेंस है उसको मेजर करने में हम इसको यूज करते हैं। अब यूज कैसे करते हैं मान लिया ये एक प्लैनेट है ये प्लैनेट है पी इसके डिस्टेंस हमें अर्थ से मेजर करनी है ये आप यहां से इस प्लेनेट पी की डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब पहले तो मैं आपको पैरेलैक्स बता दूं पैरेलैक्स होता क्या है देखो अगर मैं इसको पीछे वाल पे एक पॉइंट पे कंसीडर करूं एक बार इसको हिसाब से देखूं और एक बार इसको हिसाब से देखूं तो इसकी पोजीशन अलग अलग दिखाई देंगी मीन्स इस हिसाब से इसकी पोजीशन वाल पे अलग जगह दिखाई देगी और इस हिसाब से पोजीशन अलग जगह दिखाई देगी तो मान लिया एक बार ये यहां पे दिखाई दे रही है एक बार ये यहां पे दिखाई दे रही है दोनों पोजीशन अलग अलग है तो ये जो दोनों पोजीशन के बीच की डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड बेसिस इसको बेसिस बोलते हैं और बी से डिनोट कर देते हैं बेसिस बोलते हैं और बी से डिनोट कर देते हैं। अब अगर हम बेसिस की बात करें अच्छा बेसिस अगर हम बेसिस की बात करें तो ये बेसिस यहां पे की बन जाएगा खैर तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो ये आपका बेसिस हो गया।
अब बैलेंस क्या है, द सिट इन द पोजिशन ऑफ द बॉडी व्यू फ्रॉम टू डिफरेंट पोजिशन इज कॉल्ड बेसिस। जो पैरेलैक्स मेथड मीन्स एक बॉडी के पोजिशन को देख रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो उसकी जो पोजिशन शिफ्ट हो रही है वो आपका पैरेलैक्स मेथड है। अब यहां पे क्या करते हैं, हम एक फर्दर डिस्टेंस पे स्टार सी को दोनों तरीके से देखते हैं, इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से, दोनों जगह से मीन्स यहां से भी एक ही टाइम पर हम इसको देखेंगे। तो दोनों जगह से क्या होगा, इसने अलग अलग एंगल बनाया, यहां पर बना दिया इसने थीटा वन और यहां पर बना दिया थीटा टू, मीन्स इसको अगर यहां इस पोजीशन से देखा तो थीटा वन एंगल इसने बनाया इस प्लैनेट में इस स्टार के साथ, और यहां से देखा तो थीटा टू, तो टोटल जो इसका एंगल होगा दैट वन इज थीटा वन प्लस थीटा टू, इसको मैंने थीटा कह दिया। हमने क्या किया, इस स्टार को दोनों तरीके से देखा और एप्रोक्सीमेटली भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है तो सेम सी पोजिशन आएगी दोनों तरीके से, तो उसके साथ इसका एंगल देखा क्या थीटा वन एंगल, तो टोटल जो इसने एंगल बनाया ये है पैरेलैक्स एंगल दैट वन इज थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू थीटा। अब हमें मान लें ये डिस्टेंस मेजर करनी है इसकी एस, और ये हमारा बेसिस हो गया बी, अलग दोनों पोजीशन के बीच की डिस्टेंस ए और बी के बीच की डिस्टेंस बी हो गया। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, एंगल इज इक्वल टू आर ओवर रेडियस, एंगल थीटा है आर का पी है, क्योंकि देखो ये सेंटर बन गए ऐसे का आपका सर्किल बन गया जिसका सेंटर ये है, ऐसे सर्किल बन गया जिसका सेंटर ये पी है, तो आर क्या बन गई ए बी और रेडियस बन गई एस। आप याद रखना कि आर बन गई बीस, B इज लेस देन एस, ये B तो बहुत छोटा होगा इस S के कंपेयर में, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाए या कर्व लाइन हो जाए दोनों एक ही बात रहेगी, जितना ये ज्यादा हो जाएगा उतनी ही क्या होगी ये लाइन स्ट्रेट होगी, ये एंगल बहुत छोटा होगा। तो यहां से S इक्वल टू आ गया B अपॉन थीटा, अगर आपको B की वैल्यू पता है और थीटा की वैल्यू पता है तो आप डिस्टेंस को किस प्लैनेट को अपना फाइंड कर सकते हो। अब अगर थीटा आपको डिग्री में दे दिया तो आप क्या करोगे, थीटा को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेना और ये रेडियन में आ जाएगा, और आपका एंगल की असाइनमेंट रेडियन होती है, इसको रेडियन में लिखना है। अगर मान लो ये सेकंड में दे दिया तो सेकेंड के मिनट बनाओ, कैसे बनाओगे मिनट 60 से डिवाइड करके, फिर डिग्री बनाओ फिर से 60 से डिवाइड कर दो। तो मान लिया आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं साथ के साथ ही, अगर मान लिया ये आपका दे दिया 5 सेकेंड, सेकेंड का सिंपल ये होता है, तो पहले मिनट बनाओ 5/60 मिनट, मिनट का सिंपल ये होता है, फिर डिग्री बनाओ 5/60 × 60 डिग्री, और फिर रेडियन बनाओ 5/60 × 60 × π/180, ये आपका रेडियन बन गया और रेडियन भी आपको देना है, तो 5 सेकेंड के इतने रेडियन होंगे, ये एंगल आपका सेकेंड में होगा, बहुत छोटा एंगल होता है 1 डिग्री से भी बहुत छोटा, जब ये एंगल चल रहा है तभी एस बी से बहुत ज्यादा होता है तभी मैं रेडियन होता है। अब ये तो हो गया लार्ज डिस्टेंस। अब अगर हमें स्मॉल डिस्टेंस मेजर करनी है, वेरी स्मॉल मीन्स इससे छोटी, मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर थिकनेस, अगर हमें मॉलिक्यूलर थिकनेस मेजर करनी है मीन्स एक मॉलिक्यूल
जानते हो आप उसकी थिकनेस, मैं मान लिया ओलिक ओशी एसिड है हमारे पास, उसकी थिकनेस मेजर कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, 1 ml तो ऑयल ले लिया और उसमें 499 ml एल्कोहल मिला लिया, तो ये हो गया आपका 500 ml मिक्सचर हो गया आपका। अब इसमें से 1 ml ले लिया, 500 ml मिक्सचर कितना है इसमें, 1 ml 500 ml मिक्सचर कंटेन 1 ml एंड 1 ml ले लिया मैंने, बचाव फेंक दिया तो 1/500 ml मीन्स हमने इस मिक्सचर का 1 ml ले लिया, बचाव रह लिया तो उसमें ऑयल कितना, इतने ml। अब हमने क्या किया, एक कंटेनर वाटर ये कंटेनर में आपने वाटर लिया लार्ज कंटेनर, इसमें पानी भर वाटर फिल, ठीक है ये 1 ml का, इसकी एंड रोप हमने इसको पच कर दी, एंड रोप ये हल्दी का जो पानी है और यहां पे ये क्या हो गया आपका ऑयल मिक्सचर एंड रोप हमने इसको पच कर दी। हमें ये ध्यान रखना है कि इतनी रोप डालनी है कि ताकि इसको पूरे एरिया को बनना, अगर पूरे एरिया ओवर कर जाएगा तो उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। अब इसकी थिकनेस जब ये पूरे पे नहीं फैला, इसकी थिकनेस मॉलिक्यूलर थिकनेस है। अब हमने सोच यहां पे एन ड्रॉप फोर की छिड़की एक ड्रॉप का वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप वो भी है, तो एन ड्रॉप का वॉल्यूम एन। अब हमने क्या किया, इसमें जैसे छिड़केंगे तो एल्कोहल तो इरोट्रेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, सिर्फ बचेगा यहां पर ऑयल, और ऑयल आपको पता है पानी के ऊपर तैरता है, तो यहां पे सिर्फ ऑयल बचा जो पानी के ऊपर तैरता है। अब एल्कोहल तो नहीं है तो इसमें एन ड्रॉप में एक ड्रॉप का वॉल्यूम बी है, एन ड्रॉप का एन बी हो गया, और उसमें ऑयल का वॉल्यूम कितना हो गया, एन बी अपॉन 500, क्योंकि एनर्जी तो टोटल ऑयलिंग था, एल्कोहल प्लस ऑयल का ऑयल तो 1/500 था, और हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया वो ए आ गया, ये तो एक तरीके से ऑयलिंग थे फाइंड कर लिया हमने, दूसरे तरीके से ऑयलिंग का होता है एरिया इन टू थिकनेस, तो यहां से थिकनेस आ गई एनर्जी अपॉन 500 ए। अब एन आपको पता है कितनी ग्रोथ हुई, एक ग्रोथ का ऑयलिंग आपको पता है और आपने एरिया यहां से निकल लिया है तो आप उसकी थिकनेस मेजर कर सकते हो, दैट इज द इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस लाइक मॉलिक्यूलर थिकनेस, ये आपका इनडायरेक्ट मेथड मॉलिक्यूलर थिकनेस मेजर करने का होगा। मैंने आपको लेंथ मेजरमेंट बताया डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैलेस मेथड ये आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ मास, अब दो तरीके से मास को मेजर करते हैं, एक अगर बॉडी मोशन में है दैट वन इज द इनर्शियल मास, और दूसरा कुल कितना उस पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट है दैट वन इज द ग्रेविटेशनल मास। तो हमारा मास दो तरीके का होता है, एक तो होता है इनर्शियल मास मीन्स
बॉडी मोशन में है, एक बॉडी इज इन मोशन, देन इनर्शियल मास इज द रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी टू द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। कितना हमने फोर्स अप्लाई किया है, कितना उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, दोनों का रेशियो आपका इनर्शियल मास होता है। एज इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला आपको पता ही, वहां से जो मास फाइंड हुआ मीन्स फोर्स अप्लाइड टू द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस, दैट वन इज द इनर्शियल मास। इसके लिए हम यूज करते हैं इनर्शियल बैलेंस। एक इनर्शियल बैलेंस होती है, उसकी एक्सेंस को मेजर करते हैं, तो बॉडी मोशन है। दूसरा होता है आपका ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसका ग्रेविटेशनल मास होगा जो अर्थ ने उस पर फोर्स प्रोड्यूस किया है बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स बाय द न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देते हैं, टू द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स टू द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एफ इज इक्वल टू एम जी। तो जी इज इक्वल टू, तो एम इज इक्वल टू एफ अपॉन जी। तो जो आपने उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस किया, ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको पता है कितना होता है, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अर्थ सरफेस पे है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस होते हैं रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया और इसको जी से डिवाइड कर दिया तो अब जो मास होगा वो ग्रेविटेशनल मास होगा, एंड दैट वन बी मेजर बाय द फिजिकल बैलेंस। जो आपकी नॉर्मल बैलेंस आप देखते हो सारी फिजिकल बैलेंस होती है। फिजिकल बैलेंस जो वेइंग मशीन होती है और इनर्शियल बैलेंस, ये मेजरमेंट ऑफ मास हो गया। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब मेजरमेंट ऑफ टाइम की बात, टाइम इज मेजर्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम्स या पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम्स। मीन्स टाइम को मेजर करते हैं सीजियम एटम के पीरियोडिक वाइब्रेशन से। अब सीजियम ग्लोब बोलते हैं उसको, सीजियम एटम के जो पीरियोडिक वाइब्रेशन होते हैं, मीन्स सीजियम ग्लोब जो होते हैं बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है, तो उसके पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहते हैं, तो उससे जो हमारा टाइम मेजर होता है वो भी एक्यूरेट होता है। अब ये हमारी नेशनल लाइब्रेरी में रखी हुई है, नेशनल फिजिकल लाइब्रेरी में, तो उसके हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड टाइम चलता है। ये आपका मेजरमेंट ऑफ टाइम होगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ में एक चीज है बस पैरेलल मेथड, और ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है। अब इसके बाद में बात करते हैं एरर की। एरर से पहले हम दो टॉपिक स्टडी करते हैं, एक है आपका एक्यूरेसी और दूसरा है आपका प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन, ये दो टॉपिक मेन जो हमने वैल्यू मेजर की है वो कितनी एक्यूरेट है, कितनी प्रिसाइज है। अब हमें लगती तो दोनों सेम चीजें हैं पर थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्यूरेसी का क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू है दोनों के बीच में क्लोजनेस आपकी एक्यूरेसी, जितनी ज्यादा क्लोज होगी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट हो। प्रिसीजन में क्या होता है, क्लोजनेस ऑफ द ऑल द मेजर वैल्यू, जितनी भी आपकी मेजर वैल्यू है वो सारी एक दूसरे से कितनी क्लोज है,
क्लोज है। मीन जैसे मान लिया आपने क्वांटिटी मेजर की तो हर बार उतनी आ गई है, जैसे मान लिया आपने 7.327 की तो हर बार 7.327 या 7.328 या 7.327 7.328 तो सारी की सारी उसे क्लोज ही आ गई है, तो इसका मतलब मोर प्रिसाइज है। और अगर वो रियल वैल्यू पे ज्यादा नजदीक आ रही है मेजर वैल्यू, तो इसका मतलब एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी और प्रिसाइज मीन्स अगर मान लिया कोई इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रू वैल्यू के आसपास ही मेजर वैल्यू रख रहा है, मीन्स बहुत ज्यादा नियर है, इसका मतलब उससे जो वैल्यू आती है वो एक्यूरेट है। और अगर उससे जो वैल्यू आ रही है वो सारी दूसरे बहुत ज्यादा करीब है, तो इसका मतलब वो प्रिसाइज है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहां से बात करते हैं एरर्स इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जो हमने वैल्यू मेजर की है और जो ट्रू वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस आपका एरर है। जितना ज्यादा डिफरेंस है उतनी ज्यादा एरर है। अब टाइप ऑफ एरर की बात करते हैं, एक होती है आपकी सिस्टेमैटिक एरर। और एक टाइप होती है आपकी रैंडम एरर। एक और ज्यादा कह देते हैं तो डिस्काउंट है, पर मैं उसको सिस्टमेटिक एरर नहीं करूंगा। अब सिस्टमेटिक एरर क्या है? सिस्टमेटिक एरर इज द एरर ड्यू टू इनडिफिनाइट मैनर, जो डिफिनाइट मैनर में आ रही है, मीन्स एक हमें रीजन का पता है उसकी वजह से आ रही है, तो वो आपकी सिस्टमेटिक है। डिफिनाइट मैनर में इस पर्टिकुलर एरर उतनी आ रही है और वो पता है रीजन क्या है, तो वो सारी सिस्टमेटिक एरर है। अब सिस्टमेटिक एरर का मैं अगर एग्जाम्पल दूं तो डेट वन इज, फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब जो हमने इंस्ट्रूमेंट लिया है वो इम्प्रोपर है, उसका डिजाइन इम्प्रोपर है, डिजाइन में ही फॉल्ट है, तो उससे तो एरर आएगी ही आएगी। सेकेंड वन इज द इम्प्रोपर टेक्निक या मेथड और इम्प्रोपर टेक्निक कह लो या इम्प्रोपर मेथड कह लो या प्रोसीजर कह लो। अगर हमारा प्रोसीजर प्रॉपर नहीं है, टेक्निक प्रॉपर नहीं है या मेथड प्रॉपर नहीं है, तो हमारी जो एरर आएगी वो भी सिस्टमेटिक एरर होगी। थर्ड वन इज द पर्सनल एरर, मीन्स दैट वन इज द पर्सनल बायसनेस, केयरलेसनेस ऑफ द पर्सन, मीन जो वैल्यू मेजर कर रहा है वो एक्यूरेट मेजर ही नहीं कर रहा है, उसके अंदर केयरलेस है। आपने देखा होगा कुछ तो बहुत बारीकी से चीज को मेजर करते हैं, कुछ मोटे तौर पे काम कर लेते हैं, तो जो बारीकी से मेजर करेंगे उनके अंदर कम एरर होगा, जो बहुत मोटे तौर पे करेंगे तो एरर ज्यादा आ जाएंगे, तो दैट वन इज द पर्सनल एरर। फोर्थ वन लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर। अब लीस्ट काउंट एरर क्या है? लीस्ट काउंट एरर इज द एरर ड्यू टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट द मिनिमम वैल्यू मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मीन्स द मिनिमम वैल्यू मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मीन्स किसी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं, मिनिमाइज वैल्यू मेजर कर सकते हैं, वो उसकी लिस्ट होगी। जैसे मान लिया आपके पास स्केल है, स्केल में आप छोटी छोटी क्या डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर, तो उसकी लिस्ट क्या होगी? 1 मिलीमीटर।
तो दीज आर द लीस्ट काउंट। अगर मान लिया लीस्ट काउंट की वजह से ही हो रही है, मान लिया हमें मेजर तो करनी है मिलीमीटर में कोई चीज, और हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी लीस्ट काउंट सेंटीमीटर है, मेजर मिलीमीटर में करनी है और वो सेंटीमीटर में, तो हमारी एरर होगी लीस्ट काउंट एरर। उसके बाद अब आपकी रैंडम एरर की बात करते हैं, दैट इज द एरर इन ए रैंडम मैनर। अगर रैंडम मैनर में कोई एरर आ रही है, मीन्स रैंडमली कोई एरर आ रही है, देखो ये तो आपकी क्या क्या बताया जी मैंने, ये वाली एरर तो नोन कोज थी पर अननोन कोज से आ रही है, रैंडमली आ रही है, ये तो डिफाइन मैनर में आ रही है पर ये रैंडमली आ रही है, तो रैंडम एरर है। अब रैंडम एरर की अगर हम बात करें तो एरर ड्यू टू द अननोन कोज, हमें कोज का ज्यादा पता ही नहीं होता, जैसे मान लिया फिजिकल कंडीशन चेंज हो रही है, जैसे मान लिया कहीं पे टेम्परेचर पूछ गया, कहीं दूसरी जगह टेम्परेचर पूछ गया, टेम्परेचर का इफेक्ट आपके मेजरमेंट पे आ रहा है, या फिर प्रेशर अलग अलग है, प्रेशर का इफेक्ट आपके मेजरमेंट पे आ रहा है, दैट वन इज द रैंडम एरर, ये आपकी रैंडम एरर। अब रैंडम एरर ड्यू टू द फिजिकल कंडीशन, ये फिजिकल कंडीशन की वजह से मेन एलिमिनेशन ऑफ एरर, एलिमिनेशन ऑफ एरर और रिमूव द एरर, कैसे एरर को रिमूव करेंगे, एलिमिनेट कैसे करेंगे। सो अगर हमारी सिस्टमेटिक एरर है तो हम कैसे रिमूव करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसको वहीं पे जाकर ठीक कर देंगे, पर अगर हमारी रैंडम एरर है तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, हम क्या करेंगे, वी हैव लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, मेजरमेंट की बहुत ज्यादा वैल्यू लेंगे, मीन बहुत बार को मेजर करेंगे, एंड फाइंड द मीन ऑफ दैट वैल्यू। हम सारी वैल्यू का मीन फाइंड करेंगे तो आपका आ जाएगा रिमूवल ऑफ एरर या एलिमिनेशन ऑफ एरर, इससे हम एरर को रिमूव कर देंगे। अब एरर की बात करते हैं, कैसे एरर फाइंड करते हैं, कितनी हमारी एरर है, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसको समझ लीजिए। लाख रुपए क्या है, ये आपका लाख रुपए, सबसे पहले बात करते हैं ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू मैं नंबर डाल रहा हूं ताकि आपको याद रहे एक चीज, ट्रू वैल्यू इसको मीन वैल्यू भी बोलते हैं, दैट वन इज द मीन ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यू, जितनी भी मेजर्ड वैल्यू हैं उन सबका मीन। मैं एक ही साथ के साथ इसका एग्जाम्पल भी ले सकता हूं, मान लिया हमने वैल्यू मेजर की एन वैल्यू मेजर की, एक बार से वैल्यू है ए वन आई, ए टू आई, ए थ्री आई, अब ए एन तक आई, तो ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू ए बार से नोट करेंगे, ए तो क्वांटिटी है और बार मतलब उन सबका मीन है, सारी वैल्यू को जोड़ दीजिए और एन से डिवाइड कर दीजिए, ये आपकी ट्रू वैल्यू है। सेकेंड वन एब्सोल्यूट एरर, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर है दोनों का डिफरेंस,
फिर वो ये एग्जाम्पल लेके चलेंगे। मान लिया पहली एयर का डिफरेंस डेल्टा ए वन है, दूसरे मेजरमेंट का डिफरेंस डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री अप टू डेल्टा ए एन। डेल्टा ए वन मीन्स पहला मेजरमेंट और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस, डेल्टा ए टू दूसरा मेजरमेंट ट्रू वैल्यू का डिफरेंस, तीसरा मेजरमेंट ट्रू वैल्यू का डिफरेंस, nth मेजरमेंट ट्रू वैल्यू का डिफरेंस। तो हरेक का ट्रू वैल्यू से क्या डिफरेंस है, ये आपका एब्सोल्यूट एरर है। एक चीज याद रखना कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव आ जाए मान लिया माइनस टू आ गया तो उसको लिखना है आपको, माइनस पॉइंट फाइव आ गया तो पॉइंट फाइव ही लिखना है, माइनस नहीं लिखोगे इसमें आप, सारे के सारा वैल्यू पॉजिटिव होगा। थर्ड वन लिखना मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट इज द मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर, जितनी भी आपकी एब्सोल्यूट एरर है सबका मीन, फिर वही दैट इज ड्यूटेड बाय डेल्टा मीन एब्सोल्यूट एरर, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, डेल्टा ए से नोट करते हैं। देखो डेल्टा जहां आ जाए इसका मतलब डिफरेंस, यहां पे डिफरेंस है तो डेल्टा, तो ऐसे यहां पे ये हो जाएगा आपका जितने भी आपकी एब्सोल्यूट एरर आई हैं, डेल्टा ए वन आई यहां से, डेल्टा ए टू आई यहां से, डेल्टा ए थ्री आई अप टू डेल्टा ए एन आई, सबको जोड़ दो और एन से डिवाइड कर दो, तो ये आपका अगर मीन एब्सोल्यूट। इसके बाद में आती है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर फ्रैक्शनल, इट इज द रेशियो मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू मीन एब्सोल्यूट एरर का रेशियो मीन्स डेल्टा, इसको सोचिए रिलेटिव एरर को नोट नहीं करेंगे, डेल्टा ए डैश और डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, ये बात इसको इससे एक देखो बार जहां पे आ जाए इसका मतलब मीन निकाल लें, तो मीन दूसरे वाले मीन को पहले वाले मीन से डिवाइड कर दो रिलेटिव एरर। और लास्ट में आती है आपकी परसेंटेज एरर, इसको परसेंटेज रिलेटिव एरर भी बोल देते हैं, परसेंटेज रिलेटिव एरर, दैट इज द हंड्रेड टाइम्स द रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर की हंड्रेड टाइम्स होती है। अगर मैं परसेंटेज एरर की बात करूं तो रिलेटिव एरर इनटू 100%, तो जैसे रिलेटिव एरर डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इनटू 100 कर दो तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगा, परसेंटेज का मैंने सिंबल बना दिया और एरर, तो ये आपकी परसेंटेज। अब साथ के साथ इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं, एग्जाम्पल से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी हमने क्या क्या चीजें की है। मान लीजिए कुछ वैल्यू हमने मेजर किए हैं 1.5, 1.52, 1.53, 1.49, 1.4, ये हमने कोई वैल्यू मेजर की है, पांच वैल्यू ले लिए। अब
अब इन्होंने पूछा है कि इसमें परसेंटेज एरर कितनी होती है, परसेंटेज पूछते तो आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे, ट्रू वैल्यू क्या होगी, सारी को जोड़ देंगे जितनी भी हमारी मेजर वैल्यू है, टोटल मेजर वैल्यू को जोड़ देंगे और कितने नंबर 1 2 3 4 5 तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 रीडिंग्स है ना आपके, 5 ले लेते तो 5 से डिवाइड करते हैं, तो यहां से ही आ जाएगी आपकी 1.50, मैंने उसे आपसे ली है 1.50 आ जाएगी। अब दूसरा आपने ये तो निकाले ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, पहले की एरर, दूसरे वाली एरर, तीसरे वाली एरर, चौथे वाली और पांचवे वाली, पांच ही क्वांटिटी है, पांचों की एरर, तो पहले की एरर कितनी होगी, इसका डिफरेंस इसके साथ 1.5 माइनस 1.5 दूसरा 1.5 टू माइनस 1.5 दैट वन इज 0.0, तीसरा 1.5 टू माइनस 1.5 दैट वन इज 0.03, चौथा 1.49 1.5। देखो यहां पे आपकी ये कम है ये ज्यादा है, माइनस का बचेगा आपका, इसको भी आपको प्लस का लिखना है, इसमें से इसको बता देना, उसके बाद 1.46 माइनस 1.50 0.0, ये आपकी सारी की सारी क्या आपकी कौनसी आ गई आपकी, ये टोटली आपकी एब्सोल्यूट एरर आ गई, फिर है मीन एब्सोल्यूट एरर, इनको पांचों को जोड़ दो 0.10 2 3 5 6 4 10 0.10 एंड डिवाइडेड बाय 5, गलती मत करना, ये जीरो है तो इसका मतलब 4 से डिवाइड मत करना, डिवाइड 5 करो क्योंकि आपकी क्वांटिटी 5 है तो 5 से डिवाइड करना है, वैसे कोई जीरो हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा पर डिवाइड आपको 5 से करना है, तो 0.02 सोल्व करोगे तो 0.02 आपकी रिलेटिव एरर आएगी। अब फ्रैक्शनल एरर या सीधी सीधी परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होगी 0.02 मीन्स डेल्टा ए डेल्टा ए बार अपॉन ए बार 1.50 × 100, तो ये आ जाएगी 200 / 150 20/15 4/3 1.33% सोल्व कर लेना ये आ जाएगा, तो परसेंटेज एरर कितना है 1.33। अगर वो पूछे आपसे रिलेटिव एरर तो 100 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो रिलेटिव एरर, ये आपका इसके बेसिक क्वेश्चन होगा। एक मैंने आपको पैरेलेक्स मेथड पढ़ाया, अगर पैरेलेक्स मेथड में कोई कह दे कि एक प्लैनेट अर्थ की दो पोजीशन के बीच में 2 मिनट का एंगल बना रहा है, 2 सेकंड का एंगल, 2 सेकंड का एंगल बना रहा है अर्थ की दो पोजीशन के बीच में और दोनों पोजीशन जो है उनके बीच की डिस्टेंस अर्थ के डायमीटर के इक्वल है, ड्रामेटिकली अपोजिट है, ड्रामेटिकली अपोजिट मीन एक अर्थ के डायमीटर के इधर एक इधर, पता है अर्थ का डायमीटर कितना होता है 12,800 किलोमीटर, याद रखना अर्थ का डायमीटर 12,800 किलोमीटर। अगर ये पहले समय में क्वेश्चन पूछ दे तो आप सीधा सीधा करोगे, ये आपके पास बेसिस की जो वैल्यू आ गई आपको एस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस एस, एंगल को क्या करोगे आप सेकंड है 60 से डिवाइड करके मिनट में कन्वर्ट करोगे, फिर 60 से डिवाइड करोगे डिग्री में कन्वर्ट होगा और फिर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा 12800 तो एस इसकी कर टू आ जाएगा 12800 × 180 × 60 × 60 / 2π किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर में है तो ये किलोमीटर नहीं आएगा, ये आपको डिस्टेंस आ जाएगी, ये पैरेलल मेथड के बेस पे क्वेश्चन है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे आगे की,
आगे आपका प्रोपोगेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बचा हुआ है, एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, एरर इन मल्टीप्लाई, एरर इन डिवाइड, उसके बाद में सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग, वो बहुत इजी इजी टॉपिक है, उनकी इसके बाद में बात करें।